क्या आपके पास कम बजट है, नौकरी करते करते थक गए और नौकरी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बिजनेस करना है? दोस्तों इस वीडियो का अंत तक देखो, आपको बताएंगे ये इस वीडियो पे। आज हम बात करेंगे लहसुन का होलसेल बिजनेस या रिटेल बिजनेस या डीलर आपको कैसे बनना है और ये बिजनेस करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। डेली सेल होने वाला प्रोडक्ट है, एक एक करके बताएंगे, रेट बताएंगे, कहाँ से आपको मिलेगा ये बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है? पूरा फुल ट्यूटोरियल वीडियो पे बने रहे। जो वाले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, एडवांस रहे आप लोग। और एक बात बताना है, नौकरी मत करो यार, बिजनेस करो, बिजनेस में धंधा बनता है। पैसा बनाना है तो बिजनेस करो, डेली अर्निंग करना है तो बिजनेस करो यार। चलो स्टार्ट करते हैं। लहसुन कहाँ पे मिलेगा सबसे पहले बात करते हैं। कोलकाता के अंदर रहते हो तो पोस्ता मार्केट, धूलागर या आप बारहवीं पारा वहाँ पे भी आ सकते हो, आपको लहसुन बहुत ही चीप रेट पे मिलेगा। कोलकाता बाहर रहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आपको कहीं से भी आपको लहसुन खरीदना है एकदम चीप रेट पे, आपको हम दिला देंगे। दोस्तों मुझे आप लोग वेट कर रहे हो रेट का बारे में जाने के लिए। दोस्तों रेट आज का जा रहा है कोलकाता का भाव या अब इंडिया का भाव जा रहा है, कम से कम एक मोन का कीमत लो क्वालिटी वाला लीजिएगा तो 1400, बढ़िया क्वालिटी वाला लीजिएगा तो 1600 जा रहे हैं। जो वाले लोग नया बिजनेस करते हो, मुझे पता है आप लोग को यही गलती होता है, जब सेलर लोग बोलता है जो प्याज की कीमत या होलसेल लहसुन कीमत या अदरक की कीमत इतना जा रहे हैं, दोस्तों आप लोग सोच लेते हो बोरा की कीमत। दोस्तों ये गलती मत करना, क्योंकि बोरा में 50 kg, 60 kg, 55 kg रहता है। आपको ये बता रहे मोन का कीमत, जैसे कि 40 kg की कीमत बता रहे, आपको यही पकड़ना है। और टोटल बोरा में जो है उसको इंटू करके जितना होगा आपको रेट उतना ही मिलेगा, ठीक है? चलो दोस्तों, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, हम लोग 24 घंटा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, अच्छा रहिए। एक बात आप लोग नोटिस किए, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बात करने में, आज के लिए क्षमा कर दीजिए क्योंकि तबीयत मेरा थोड़ा ख़राब है। चलो सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, जय हिंद।